Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So, आज हम continue करेंगे अपना topic PPSC Past Psychology Paper 2017 Part 2 जिसमें solved MCQs हैं उसके साथ MCQs के options की और statement की explanation भी है. So, before moving on to the MCQs, please subscribe the channel so that you can get latest updates. Number 27, the need to move toward people, move against people and move away people proposed by option A, Sullivan, option B, Karen Horney, option C, Adler and option D, Anderson. The right option is option B, Karen Horney. Karen Horney ne apni theory di thi, theory of neurotic needs and trends and according to this theory, चिल्ड्रन जो हैं वो जब उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती या उनके चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते तो उनके अंदर न्यूरोटिक नीड्स डेवलप हो जाती हैं और फर्दर जो है वो न्यूरोटिक ट्रेंड्स भी उनके अंदर फॉर्म होते हैं. तो स्टेटमेंट में जो है वो थ्री ट्रेंड्स जो हैं वो मैंशन हुए हुए हैं. मूव टूवर्ड पीपल, जिसका मतलब है कंप्लाइंट पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है. मूव अगेंस्ट पीपल, जिसमें अग्रेसिव पर्सनैलिटी. एंड मूव अवे पीपल, डिटैच पर्सनैलिटीज. ये पर्सनैलिटीज एक चाइल्ड जो है वो तब बनाता है जब उसको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं. सो ओवरऑल जो है वो उसकी न्यूरोटिक नीड्स बचपन से ही बन जाती हैं जो कि बड़े होके एक पर्सनालिटी फॉर्म कर देती हैं. नेक्स्ट जो है सलिवन. सलिवन ने इंटरपर्सनल साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस की थी. एंड अकॉर्डिंग टू सलिवन, अगर एक चाइल्ड के सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं और ओवरऑल सोशल इन्वायरमेंट उसका कोऑपरेटिव होता है और उसके लिए जो है वो एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है और उसको लव मिलता है अपने सिग्निफिकेंट अदर से, तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी उसका एक वर्ल्ड के लिए भी उसकी एक सेंस बन जाती है कि वर्ल्ड जो है वो सिक्योर है. अगर उसके सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए भी उसकी एक इमेज जो है वो इनसिक्योर फॉर्म हो जाती है. एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और इंडिविजुअल साइकोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है. उसके अंदर फर्दर उसने बहुत सी कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी है. बर्थ ऑर्डर जो है वो उसने बताया था कि बर्थ ऑर्डर जो होता है एक चाइल्ड का वो कितना इन्फ्लुएंस करता है उसकी पर्सनालिटी में. इसके अलावा एंडरसन की अगर हम बात करें, एंडरसन ने अडैप्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट थ्योरी दी थी. एंड अकॉर्डिंग टू एंडरसन इसने मेन फोकस तब किया कि ड्यूरिंग लर्निंग जो है वो ब्रेन की क्या फंक्शनिंग हो रही होती है, ब्रेन के अंदर क्या न्यूरल सर्किट्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान जब भी कोई स्टूडेंट कोई चीज़ लर्न कर रहा होता है, कोई मैथमेटिकल सम्स अगर वो कर रहा होता है तो क्या ब्रेन की फंक्शनिंग चल रही होती है. इसके साथ साथ उसने दो तरह की मेमोरीज को एक्सप्लेन किया था, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी. नंबर 28, रूब डॉलर्ड मिलर मूवर एंड सीयर सजेस्टेड दैट ऑल अग्रेसिव एक्ट्स आर कॉज्ड बाय ऑप्शन ए एंगर, ऑप्शन बी टेंशन, ऑप्शन सी स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी फ्रस्ट्रेशन. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फ्रस्ट्रेशन. डूब डॉलर मिलर एंड इट्स कलीग हैज इंट्रोड्यूस्ड अ थ्योरी विद द नेम फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस थ्योरी. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब भी इंसान में अग्रेशन आता है उसकी कॉज होती है फ्रस्ट्रेशन. और फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की ऑपरेशनल डेफिनेशन है कि जब इंसान जो है अपना गोल अचीव नहीं कर सक रहा होता, जब वहाँ पे ब्लॉकिंग आती है, एक पर्सन के गोल अचीवमेंट में ब्लॉकिंग आती है, बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन कहलाता है. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रस्ट्रेशन ही कॉज होती है अग्रेशन की और हमेशा अग्रेशन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फ्रस्ट्रेशन के. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नंबर 29, द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी FSH एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस. TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH स्टैंड फॉर एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन एंड FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड pituitary gland also secrete these hormones, human growth hormone, luteinizing hormone that stands for LH and prolactin. Number 30, the Milgram experiment indicate that option A, reward increases compliance,
Option B, punishment increases compliance. Option C, justification increases compliance. And option D, pressure from authority increases compliance. The right option is option D, pressure from authority increases compliance. Milgram ने एक experiment perform किया था 1963 में after World War, Germans को check करने के लिए कि वो कितना compliance show करते हैं authority figures की तरफ. और इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स इन्वॉल्व किए गए जो कि प्रिटेंड करते थे कि उन्हें शॉक रिसीव हो रहा है. और एक्सपेरिमेंटर जो था वो ओवरऑल जो है गाइड करता था कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से कंटिन्यू रहेगा. और सब्जेक्ट यानी मेन जो सब्जेक्ट था वहाँ यहाँ पे इस स्टडी में वो टीचर था, लेकिन टीचर को ओवरऑल आइडिया नहीं था कि उस पे स्टडी की जा रही है. एडमिनिस्ट्रेटर टीचर जो है वो ओवरऑल सब्जेक्ट था कि वो देखा जा रहा था कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंटल की तरफ कंप्लाइंस शो करता है ऑर्डर्स की. और लर्नर्स को जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए कुछ टाइम के लिए याद करने के लिए, और फिर उसका रिकॉल करने का कहा जाता था. जितनी भी मिस्टेक्स होती थी, अगर ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी तो शॉक की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती जाती थी. और शॉक की रेंज होती वो 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक की थी. और जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती थी. और 60% जो है वो टीचर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व, जितने भी टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स इसमें इन्वॉल्व हुए उन्होंने कंप्लाइंस शो की एक्सपेरिमेंटर की तरफ. और बहुत से टीचर्स ने जो है कंप्लाइंस नहीं भी शो की, लेकिन मेजॉरिटी ने जो है कंप्लाइंस शो की. और इसमें एक्सपेरिमेंटर जो है वो कमांड देता था कि यू हैव टू गिव द शॉक, देर इज़ नो अदर शॉक ऑप्शन, यू हैव टू गिव द शॉक. और इसी तरह ओवरऑल जो है देखा गया कि किन सिचुएशंस में जो है वो सब्जेक्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो कंप्लाइंस शो करते हैं अथॉरिटी फिगर की तरफ. और ज़्यादातर ये देखा गया कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे जब उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया तो उन्होंने ज़्यादा कंप्लाइंस शो की. सो ओवरऑल जो है वो सब्जेक्ट जो है वो फेक प्रिटेंड करते थे कि उन्हें पेन फील हो रहा है, बट इन रियलिटी उन्हें पेन फील नहीं होता था. सो ओवरऑल यहाँ पे कंप्लाइंस को असेस किया गया कि किस तरह से लोग अथॉरिटी फिगर्स की बात किन सिचुएशंस में जो है वो मानते हैं, जब ज़्यादा प्रेशर होता है या कम प्रेशर होता है, या फिर उन्हें पता होता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है या फिर हमारे अथॉरिटी फिगर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी हमारे एक्शंस की. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नंबर 31, मॉडर्न साइकोलॉजी स्टार्टेड ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी इन ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, and option D USA. The right option is option A Germany. जब विल्हम वुंड ने अपनी लैब बनाई लिप्सिक जर्मनी में, तब से ही मॉडर्न साइकोलॉजी का आगाज हुआ और तब से ही उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माना गया क्योंकि वहाँ पर लैब एंड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म होना शुरू हो गए. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नंबर 32, साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए ओवर्ट बिहेवियर ओनली, ऑप्शन बी हाउ ग्रुप चेंजेस रिसोर्सेज, ऑप्शन सी माइंड एंड बिहेवियर, एंड ऑप्शन डी हाउ एग्रीगेट बिहेवियर इज स्पेसिफाइड. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी माइंड एंड बिहेवियर. ओवरऑल वी ऑल नो दैट साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड द स्टडी ऑफ बिहेवियर. नंबर 33, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज मोस्ट कंसर्न विद विच फील्ड, ऑप्शन ए साइंस ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन बी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन सी साइंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ऑप्शन डी साइंस ऑफ इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेस, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. एंड मेंटल प्रोसेस बेसिकली इंक्लूड कॉग्निशन, थिंकिंग, परसेप्शन. दीज ऑल आर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट साइकोलॉजी ऑल्सो डील विद ऑल, एंड ओवरऑल more concerned with the behavior as well, ki kis tarah se mental processes ka link hai behavior ke sath. Number 34, Ernest Weber used the notion of option A psychological zero, option B response bias, option C just noticeable difference, and option D motion parallax. The right option is option C just noticeable difference. Just noticeable difference ko GND bhi kaha jata hai aur डिफरेंस थ्रेशोल्ड भी कहा जाता है. इसमें आप हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो टू वेट्स कैरी कर रहा है अपने हाथ में और वो
मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलेशन को डिडक्ट कर लेता है कि क्या डिफरेंस है उन दोनों वेट्स में, ठीक है। और ओवरऑल जो है, अगर एक 50% लोग जो है वो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को असेस कर लेते हैं, और इसमें जो है वो पर्सन जो है ओवरऑल कंपैरेटिवली देखता है कि किसका किस चीज़ का वेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ नोन एज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। एंड रिस्पॉन्स बाइस की अगर हम बात करें तो ये रिसर्च में होता है कि एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिसर्चर को जब रिस्पॉन्डेंट जो है वो एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहा होता है, इस डर से कि उसके रिस्पॉन्सेज को इवेल्यूएट किया जाएगा, उसको जज किया जाएगा। और इसमें बहुत टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स वाइज जो है वो प्रेजेंट है। साइकोलॉजिकल ज़ीरो इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑप्शन। फिजियोलॉजिकल ज़ीरो एक टर्म सुनी है, लेकिन साइकोलॉजिकल ज़ीरो इज नॉट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट। मोशन पैरेलैक्स की अगर हम बात करें तो ये मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू में एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली जब हम कोई भी नज़दीक की जब हम कहीं मूव कर रहे होते हैं, नज़दीक की चीज़ें जो हैं वो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती नज़र आ रही होती हैं, और जो फारदेस्ट अवे जो चीज़ें होती हैं वो हमें अपनी सेम डायरेक्शन में नज़र आ रही होती हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन अक्रॉस आवर रेटिना, और हम आइज़ जो हैं वो अपनी कहाँ पर ज़्यादा रख रहे हैं, अपना कंसनट्रेशन कहाँ रख रहे हैं, उसी वजह से हमें मोशन पैरालैक्स जो है वो फील होता है। नंबर 35, गिव मी अ चाइल्ड टिल दैट चाइल्ड इज 5 years ओल्ड, आई विल मेक ऑफ हिम एनीथिंग यू वांट, डॉक्टर, लॉयर, थीव, इज लाइकली कोट फ्रॉम ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जे बी वॉटसन, ऑप्शन सी हुल, ऑप्शन डी पावलोव। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जे बी वॉटसन। जे बी वॉटसन जो है वो बिहेवियरिस्ट थे, एंड अकॉर्डिंग टू जे बी वॉटसन इंसान जो है वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से और ओवरऑल जो सोशल सेटअप होता है उसकी वजह से एक पर्सनैलिटी जो है वो अपनी बना लेता है। सो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बिहेवियरिज्म, और उनका यही बिलीव था कि इर्द गिर्द का सोशल सेटअप और पेरेंटिंग जो है आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बना सकती है और आपको एक बैड पर्सनैलिटी भी बना सकती है। नंबर 36, द फंक्शन ऑफ अ थ्योरी इज टू ऑप्शन ए प्रूव अ हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी एस्टैब्लिश अ लॉ, ऑप्शन सी एक्सप्लेन एंड रिलेट ऑब्जर्व फैक्ट्स, एंड ऑप्शन डी डिवेलप द स्टेप्स टू बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एक्सप्लेन एंड रिलेट ऑब्जर्व फैक्ट्स। नंबर 37, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर मैनिपुलेट ऑप्शन ए सब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑप्शन डी टेस्ट वेरिएबल। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओवरऑल रिसर्च में मेन पर्पज़ ये होता है एक रिसर्चर का कि वो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करे ताकि उसका अफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जा सके। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 38, अब्राहम मास्लो इज अ चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द डैश स्कूल ऑफ थॉट, ऑप्शन ए बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन बी ह्यूमनिस्ट, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरलिस्ट, एंड ऑप्शन डी फंक्शनलिस्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ह्यूमनिस्ट। अब्राहम मास्लो की अगर हम थ्योरी को रिकॉल करें तो अब्राहम मास्लो ने एक थ्योरी ऑफ नीड्स दी थी, या हायरार्की ऑफ नीड्स जो है के नाम से मशहूर है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें उसने 5 जो है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एक पर्सन जो है उसकी नीड्स पूरी होती हैं और लास्ट स्टेज पे जो है वो सेल्फ एक्चुलाइज हो जाता है। इसके अलावा मास्लो का ये कहना था कि इंसान के पास जो है वो फ्री विल होती है और उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके साथ साथ उसके अंदर इननेट ड्राइव होती है सेल्फ एक्चुलाइज होने की। सो ओवरऑल जो है इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ह्यूमन की यूनिक टेंडेंसी से रिलेटेड था। Number 39, in psychology, the concept of motivation was described in terms of instinctive behavior. On whose theory was this concept largely based? Option A, Hume, option B, Descartes, option C, Darwin, and option D, James. The right option is option C, Charles Darwin. Charles Darwin ke accordingly, humans ke andar instinctive behavior hota hai apne aap ko save karne ke liye, apne aap ko सर्वाइव करने के लिए। इसमें हम एग्जांपल ह्यूमंस की भी ले सकते हैं और
एनिमल्स भी ले सकते हैं कि किस तरह ह्यूमंस के अंदर जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसके अंदर रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। इस तरह एनिमल्स जो हैं स्पेशली बर्ड्स किस तरह माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग विंटर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो होता है वो इंसान को सर्वाइव करने में हेल्प आउट करता है और यही बेसिक मोटिवेशन होता है सर्वाइवल के लिए। नंबर 40, द चाइल्ड एज टेब्यूला रासा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए फ्रॉइड, ऑप्शन बी हॉल, ऑप्शन सी लॉक एंड ऑप्शन डी रूसो। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जॉन लॉक। जॉन लॉक के अकॉर्डिंगली जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी कि टेब्यूला रासा स्टैंड फॉर, टेब्यूला रासा का मतलब है अ ब्लैंक स्लेट। और जैसा ही टाइम गुजरता जाता है उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वही उसके माइंड में स्टोर होते हैं, ओवरऑल जो है उसकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है। अगर हम फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड ने साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी जिसने इड ईगो सुपर ईगो पे ज़्यादा ध्यान दिया और उसके अलावा साइकोसेक्चुअल स्टेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन की। हॉल ने जो है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन के अंदर जब कोई भी बायोलॉजिकल डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो उनको ओवरकम करने के लिए मोटिवेशन जो है वो उनके अंदर पैदा होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक्शंस परफॉर्म करते हैं और अपनी डेफिशिएंसीज को रिड्यूस करते हैं और होमोस्टेसिस की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाते हैं। एंड रूसो जो है जेन जैकस रूसो के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस के अंदर इननेट पोटेंशियल्स होते हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी है जॉन लॉक के। उसने कहा कि रूसो के अकॉर्डिंगली इननेट पोटेंशियल्स होते हैं जिसके ज़रिए इंसान जो है वो सोसाइटी में सीखता है, लर्न करता है और टाइम के साथ साथ जो है वो ये पोटेंशियल्स जो हैं वो अनकवर होती हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है वो इन बर्थ से इननेट होता है, प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, और उसके साथ साथ फेयर एंड अनफेयर का कॉन्सेप्ट भी प्रेजेंट होता है। नंबर 41, कार्ल रॉजर्स इज वेल नोन एज ऑप्शन ए फाउंडर ऑफ बिहेवियरिस्ट मूवमेंट इन साइकोलॉजी, ऑप्शन बी क्रिएटर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऑप्शन सी क्रिएटर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड ऑप्शन डी फॉररनर ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी क्रिएटर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ह्यूमंस जब भी किसी भी सेशंस में आते हैं या जब भी काउंसलिंग सेशन में इंडल्ज होते हैं तो वो फर्स्ट में एट द वेरी स्टार्ट जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट में होते हैं, यानी उनका सेल्फ और रियलिटी का जो है वो लिंक नहीं बन रहा होता, वो बहुत डिस्टॉर्टेड सी उस टाइम उनकी कंडीशन होती है। और अगर थेरेपिस्ट जो है तीन तरह के एटीट्यूड्स फॉर्म करता है ड्यूरिंग काउंसलिंग तो ओवरऑल थेरेपी जो है या काउंसलिंग सेशन जो है वो अच्छा रहता है, जिसमें फर्स्ट है जेन्युइननेस के वो कितना जेन्युइन होता है, कितना अंडरस्टैंड करता है क्लाइंट के प्रॉब्लम को, उसके साथ साथ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कितना देता है और एम्पथी जो है वो कितनी फील करता है क्लाइंट के लिए। नंबर 42, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑप्शन ए द ओनली वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरीफाइड, ऑप्शन सी वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन दैट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन डी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर। एंड हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। एंड ओवरऑल रिसर्च में जो है वो एक एक्सपेरिमेंटर का या रिसर्चर का यही काम होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करे और उसकी इफेक्ट्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे चेक करे, और दैट कैन बी थ्रू यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। नंबर 43, द फर्स्ट स्टेप इन एनी रिसर्च प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग अ ऑप्शन ए थ्योरी, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी प्रोपोजिशन एंड ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी प्रोपोजिशन। And proposition is a suggestion that two concepts have a link or association between them. और इसके लिए past में या literature में कोई इस तरह का evidence मौजूद नहीं होता, और usually जो है वो propositions तब draw की जाती हैं जब एक person जो है वो दो concepts के दरमियान relationship assume कर रहा होता है। So the right option is option C, propositions. Number 44, in psychology case studies are used to
Option A, draw conclusion about individual behavior on the basis of group finding. Option B, draw general conclusion about behavior of client. Option C, assess opinion of individual. And option D, show importance of case study. The right option is option B, draw conclusion about behavior of client. और ये सिम्टम्स की बेस पर ओवरऑल जो है क्लाइंट क्या ओरिएंटेशन है, क्या सिम्टम्स वो शो कर रहा है और उसका वर्बेटम क्या है, इसकी बेस पे जो है वो केस स्टडी एक जनरल कंक्लूजन जो है क्लाइंट के बारे में ड्रॉ करती है. नंबर 45, आई हाइपोथेसिस इज ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना, ऑप्शन सी टेस्टेबल प्रिडिक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम थ्योरी एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंट वेरिएबल. The right option is option C. Our hypothesis is testable prediction that is derived from theory. Number 46. Gestalt theory emphasized option A, flow of consciousness. Option B, our tendency to see patterns. Option C, the way of thoughts. And option D, none of these. The right option is option B, our tendency to see patterns. Gestalt theory यूजली इस पे फोकस करते हैं कि ह्यूमंस हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी अगर देखते हैं तो उनको एज अ होल परसीव करते हैं. सो ओवरऑल जो है वो सिंपलिस्टिक फॉर्म हर चीज़ की देख रहे होते हैं. नंबर 47, चिल्ड्रन लर्न द अल्फाबेट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए सीरियल लर्निंग, ऑप्शन बी पेयरिंग, ऑप्शन सी रेपिटिशन एंड ऑप्शन डी रिहर्सल. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सीरियल लर्निंग. सीरियल लर्निंग के इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब चिल्ड्रन जो है ए टू जी अल्फाबेट्स याद करते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में जो है उन्हें याद करना होता है और उसके साथ साथ बार बार रिकॉल करके रिकॉल किया जाता है, उनको बार बार मेमोराइज कराया जाता है, उनसे सुना जाता है एंड कुछ टाइम के बाद जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो अल्फ़ाबैट सुना देते हैं. इसके साथ साथ एक अल्फ़ाबैट को समझने के लिए वो उसके ओवरऑल साउंड को देखते हैं कि फोनिक्स क्या है और उसके साथ साथ उसकी शेप क्या है, फिर जाके जो है वो प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो ओवरऑल शेप पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो स्टेप बाय स्टेप जो है इन सीक्वेंस जो है वो अल्फाबेट को लर्न करना शुरू करते हैं. नंबर 48, आइवन पावलोव इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन ऑप्शन ए टीचिंग मशीन्स, ऑप्शन बी परसेप्चुअल लर्निंग, ऑप्शन सी फॉरवर्ड कंडीशनिंग एंड ऑप्शन डी क्लासिकल कंडीशनिंग. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें बिहेवियरिज्म के अंडर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग आती है और पावलोव जो है इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इस डॉग एक्सपेरिमेंट की वजह से ज़्यादा फेमस है, जिसमें अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर किया जाता है और बहुत रेपिटिशंस के बाद जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो रिक्वायर किया जाता है, जिसमें बाद में कंडीशन स्टिमुलस जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है. नंबर 49, द इट ड्रॉज इट्स साइकिक एनर्जी फ्रॉम ऑप्शन ए आउटर रियलिटी, ऑप्शन बी बॉडीली इंस्टिंक्ट्स, ऑप्शन सी ईगो एंड ऑप्शन डी सुपर ईगो. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी bodily instincts. And according to Freud, psychic energy जो है it जो है वो bodily instincts से लेती है. Number 50, Harlow is famous for his studies of option A, play behavior, option B, single parent families, option C, maternal deprivation on infant development and option D, aggression modeling in children. The right option is option C, maternal deprivation on infant development. Harlow ने series of experiments perform किए थे monkeys के साथ, जिसमें two conditions जो है वो उनको देगी, जिसमें जो infants थे उनको surrogate mothers के साथ रखा गया, जिसमें एक जो थी वो mother वो बहुत soft and cherry cloths जिसने carry किए हुए थे और दूसरी मदर जो थी वो वाइल्ड क्लॉथ थी, मतलब उसके वाइड वायर जो थी ओवरऑल जो है उसकी बॉडी पर थी. और इन दोनों कंडीशंस में जो सॉफ्ट एंड फरी क्लॉथ्स वाली जो मदर थी, जब एक इन्फेंट उसके पास जाता था उसको वहाँ पे फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता था और दूसरी कंडीशन में फूड प्रोवाइड किया जाता था. एंड ओवरऑल जो है हार्लो का फोकस ये था कि देखा जाए कि मैटरनल कनेक्शन जो है और
इतना ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट अदर का रोल है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। और ओवरऑल जो है उसने ये देखा कि जो फरी क्लॉथ्स में जो एक मदर जो बनाएगी, मंकी मदर जो बनाएगी बेबी के लिए, वो ज़्यादा जो है वो उसके लिए कंफर्ट का प्राइस बनी। और रिसर्च ने ये इंडिकेट किया कि मेटर्नल डेप्रिवेशन जो होती हैं वो ओवरऑल जो है वो एक चाइल्ड की पर्सनालिटी पे जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर डेवलपमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ लव केयरिंग एंड नरिशमेंट के साथ होगी तो चाइल्ड जो है वो अच्छे से डेवलप करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 51, द टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज यूनिक फॉर ह्यूमन इज ऑप्शन ए क्लासिकल, ऑप्शन बी वर्बल एंड ऑप्शन सी ऑपरेंट एंड लास्ट इज ऑप्शन डी मोटर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वर्बल लर्निंग। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग यूजुअली जो है वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट है और एक ही ऐसी लर्निंग है जो कि यूनिक करती है ह्यूमंस को एंड दैट इज वर्बल लर्निंग। नंबर 52, द टर्म एनिमा एंड एनिमस रेफर्स टू ऑप्शन ए कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी द पर्सनल अनकॉन्शियस, ऑप्शन सी द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आर्किटाइप्स एंड ऑप्शन डी द शैडो आर्किटाइप। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आर्किटाइप्स। एनिमा stands for a person having female or feminine characteristics that can be related to कि वो emotional है और थोड़ी emotional features जो हैं अगर उसमें आ जाएँ तो हम कह सकते हैं कि man के अंदर जो हैं वो feminine characteristics हैं। and masculine archetype leads to animus और जिसमें females के अंदर male characteristics हो सकती हैं that can be related to muscular strength or strong personality। और अकॉर्डिंग टू कार्ल यंग ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल जो है ये एक पर्सनालिटी को बैलेंस करती हैं। नंबर 53, इंटेलिजेंस टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड रिलायबल, ऑप्शन ए बिफोर 7 ईयर्स ऑफ एज, ऑप्शन बी एट एनी एज, ऑप्शन बी बिफोर 20 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन डी बिफोर पुबर्टी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बिफोर 7 ईयर्स ऑफ एज। बिफोर 7 ईयर्स ऑफ एज और यंगर देन 6 जो होते हैं चिल्ड्रन उसमें हम इंटेलिजेंस टेस्ट कोई भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। और अगर ओवरऑल जो है वो चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देखना हो तो पेरेंट्स से जो है वो पूछा जा सकता है और उसके डिफरेंट जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को असेस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल हम उसको एक चाइल्ड को जो है वो हम किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में इंडल्ज नहीं कर सकते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज वॉच पार्ट 2 फॉर रिमेनिंग MCQs। स्टे ट्यून एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक यू।